बसना जनपद में अधिकारी कर्मचारी फेडरल संघ के हड़ताल का आज छठवां दिन है। इस वक्त हम बसना जनपद में मौजूद है, जहां फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, जो हमको बताएंगे कि किन किन दो प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और आगे हड़ताल उनकी किस तरह जारी रहेगी अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो। धन्यवाद। और आज के हमारा छठवां दिन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन प्रांतीय निकाय के निर्देशानुसार ये आज हमारे धरनारत आंदोलन का छठवां दिन है। और प्रमुख रूप से जो हमारी मांग है वो केंद्र के समान महंगाई भत्ता अब 34% था, अब तो 38% हो चुका है। और डीए के बाद एचआरए का जो है, जो छठवें वेतन मान के हिसाब से हमें डीआरएच गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है 900 रुपया 1500 तक, ये बहुत ही कम है। और आप देख लीजिए जहाँ कहीं भी ये 900 रुपया 1500 में कहीं भी आपको रहने लायक मकान नहीं मिलेगा। रही बात महंगाई भत्ते की, तो हमारी जो शासन है छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस की शासन है, उनके द्वारा हमारे आईएएस आईएफएस और उच्च वर्ग जो अधिकारी हैं उनको 34% डीए दिया जा रहा है, केंद्र के समान दिया जा रहा है। और वही आईएएस अधिकारी हमारी जब फाइल जाती है, हमारी जब मांग वहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारे मांग को दरकिनार कर दिया जाता है, उन लोग कन्वेंस नहीं करा पा रहे हैं सरकार को। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, सोच बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन हमारे जो आईएएस अफसर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के, वो कन्वेंस नहीं करा पा रहे हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री को कि ऐसा ऐसा केंद्र सरकार देता है तो हमें देना पड़ता है। और जब तक ये हमारी मांग है पूरी नहीं होगी, और पूरा 105 संगठन हमारे इस कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में आज तक समाहित हो चुके हैं, संघ से जुड़ चुके हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरनारत रहेंगे। तो क्या केवल हड़ताल ही एक जरिया है, इससे जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था सब चरमरा गई है, आपको क्या लगता है केवल हड़ताल ही एक जरिया है? जी, हमारा केवल एक हड़ताल ही जरिया नहीं है। हम जानते हैं हमारी जनता है, हम जनता की सेवा के लिए यहाँ हम काम करते हैं, हमारे कर्मचारी अधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं, वो तो केवल जनताओं के लिए है, जबकि हम मजबूर होकर के आंदोलन में कूदना पड़ा है। हमारे जब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस हनन के विरुद्ध में हम लोग सड़क में आए हैं। इसका एक ही कारण है, हमारी जो दो प्रमुख अधिकार है, ये मांग नहीं है, हमारी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वेतन के साथ हमें मिलना चाहिए, लेकिन सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को रोज, मतलब हर महीना 4500 करोड़ रुपया अपने खजाना में जमा कर रही है। और हमारी जब इस दोनों की मांग की बात आती है तो लोग खजाने का रोना रोते हैं, जबकि 4500 करोड़ खजाने में जमा किया जा रहा है कर्मचारियों का। तो सरकार का अभी तक किस प्रकार का रवैया देखने को मिला है आप लोगों को? क्या सरकार का रवैया उदासीन है, या फिर आप लोगों के प्रति कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हड़ताल खत्म हो जाए? वो तो अभी पहल उनके तरफ से होना चाहिए, क्योंकि उनके जब हम उसके परिवार के स्वरूप हैं, अधिकारी कर्मचारी के बदौलत ही सरकार चलती है, लेकिन हमारे जो मुखिया है अपने परिवार का हाल चाल नहीं जान पा रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं और कैसे हड़ताल कर रहे हैं, और आप इसे सभी कार्यालय बंद है उसको ये मालूम होकर भी वो अपने तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे हैं, ये उनकी नादानी है, मूर्खता है और शर्मिंदगी वाली बात है। तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप आगे और क्या कदम उठाएंगे, और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? अभी हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो धीरे धीरे हम उग्र कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। तो मेरे साथ महिला बाल विकास बसना के अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो बताए, जो भी इस हड़ताल में शामिल है, जो बताएंगे कि हड़ताल करने से किस प्रकार ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण स्तर पर किस तरह व्यवस्था चरमरा गई है।
निश्चित रूप से हमारे हड़ताल से हमारे जो ग्रामीण जन हैं, हमारे जो हितग्राही हैं, उनको इसका प्रभाव पड़ रहा है, किंतु हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग अन्य विनय करके हम लोग शासन से देख लिए, उन्होंने आज तक हमारी मांग को पूरी नहीं की, तो हमारे पास को लिए एक रास्ता बचता है। इसके लिए हम हमारे जनता को भी क्षमा प्रार्थी हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा है। तो जैसे कि अभी आप हड़ताल पर आ गए हैं, तो क्या आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल, इस पर भी सारी व्यवस्था चरमरा गई होगी? हाँ जी, आंगनबाड़ी केंद्र के हमारी कार्यकर्ताएँ बहनें तो अभी कार्य कर रही हैं, लेकिन हमारा जो कार्यालय है वो पूरी तरह बंद है, और हमारे सभी महिला बाल विकास सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से हम लोग इस आंदोलन को सफल करने के लिए प्रयासरत हैं। इस वक्त हमारे साथ दास सर मौजूद हैं, जो सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हड़ताल से शिक्षा व्यवस्था किस तरह चरमरा गई है और बच्चों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको हमारे आज इस आंदोलन के संबंध में आपको बता दूं, एजुकेशन विभाग में पूर्ण रूपेण पूरा व्यवस्था चरमरा गई है। पूरे सहायक शिक्षक और पूरा शिक्षा संवर्ग लगभग पूरा आंदोलन पर हैं। माननीय हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय माननीय कमल वर्मा जी के आदेश और निर्देश पर यह कार्यक्रम हमारा आंदोलन कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र के समान 34% डीए अविलंब जारी करें और सातवां वेतनमान के अनुरूप एचआरए, मैं सोचता हूं निवेदन करते हैं हम लोग पूरा अधिकारी कर्मचारी संगठन की ओर से कि अविलंब जारी करें, क्योंकि जब तक 34% डीए और सातवां वेतनमान के अनुरूप अगर एचआरए नहीं देते हैं तो यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। इस हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग पर भी असर देखने को मिल रहा है, तो हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था अभी किस प्रकार की चल रही है इस हड़ताल से। देखिए, हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य आयोजक संघ की ओर से इस फेडरेशन में शामिल हुए हैं। अभी हम लोग हर उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला बंद है, जिससे जो हितग्राहियों को स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, गर्भवती माताओं को जो सुविधा देते हैं, बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं, अभी तक जो कोरोना टीकाकरण चल रहा था उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं हमारे इस हड़ताल में शामिल होने से। मतलब जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि आपने हड़ताल किया है, तो कोरोना का टीकाकरण भी पूरी तरह बंद हो चुका है? कोरोना टीकाकरण अधिकतर स्थानों पर हमारे आरएचओ साथी के द्वारा ही किया जाता है, इसमें अधिकतर जगहों पर कोरोना टीकाकरण अभी बंद है। मतलब जो एक चल रहा था, जो बहुत तेज़ी से टीकाकरण हो रहा था, वो ठप पड़ चुका है? बिल्कुल, हमारे महासमुंद जिले में जो महाअभियान चलाकर जो टीकाकरण किया जा रहा था उसमें काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है।